everyone, welcome back to my channel, and I'm glad that you had such a good response to my last video, which was of Maggie, and many of you tried it, and I was very happy to see that. So thank you so much for trying, and a lot of people subscribed also. तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल एंड टुडे माय रेसिपी इज द वन दैट आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम अ फ्यू डेज बैक व्हिच इज ऑफ नान खटाई एंड दैट नान खटाई इज सच अ मेमोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड सबके घर के आसपास या तो नानी के घर हम रहने जाते थे तो पीपल यूज टू कम दे यूज टू गेट अस दोज इंडियन शॉर्टब्रेड बिस्किट्स यस गाइज This is the same naan kathai that you saw in my photo and thank you for giving me so much of love on that post and I'll see you after the video. हमने इसमें डाल दिया है 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर या फिर मैदा उसी के साथ हम डालेंगे 1/4 कप बेसन अब बेसन जो है अगर बेक कर आ जाए तो उसमें से बहुत ही ज्यादा बढ़िया खुशबू आती है हमने कार्डमम लिया था या इलायची ली थी उसको अच्छे से पीस लिया था और अब उस पाउडर को हम डालेंगे इसमें आप आधा कप पिसी हुई चीनी का नाप लीजिएगा एंड इसको हम डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा लिया है कुकिंग सोडा या खाना सोडा जो भी आप कहते हैं अपने घर में एंड ये सब हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ये थोड़ा सा बच जाता है ना तो आप इसको अपनी चाय में डाल के भी पी सकते हैं उससे भी चाय भी बहुत ही अच्छी खुशबूदार बनती है इलायची से तो अब हम जैसे कि ये डाल चुके हैं अब हम इसको रख देंगे साइड में एंड अब हम धीरे धीरे इसके अंदर 1/3 कप घी लिया है वो डालेंगे और मिक्स करेंगे चम्मच से भी कर सकते हैं ज्यादा गूंदना नहीं है इसे थोड़े आटे की कंसिस्टेंसी में आ जाए उतना ही करना है इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये ज्यादा सूखा ना रहे ना ही ज्यादा गीला बने तो उस हिसाब से घी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकता है एक एक चम्मच डाल के कंसिस्टेंसी आप चेंज कर सकते हैं उसे चाहे तो आप घी की बजाय बटर भी ले सकते हैं दोनों ही काम करेंगे इसमें दोनों से ही बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये एक साथ मिलने लगा है ये आटे जैसा हो गया है पूरी के लिए बनाते हैं हम लोई वैसे ही हम इसको 12 पीसेस में डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी 12 लोई छोटी छोटी तैयार हो गई हैं अब हम इसको साइड रख लेते हैं थोड़ा सा वर्किंग सरफेस भी क्लीन कर लेते हैं एंड 15 मिनट के लिए आप प्री हीट कर दीजिए अब वो हमने अब यहाँ रख दिया है अपना पार्चमेंट पेपर क्या कर रहे हैं हम ये हमने गोल लोई बनाई है इसको ऐसे 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 गोल बनाया हाथ में और प्रेस कर दिया प्रेस इससे करना है इससे प्रेस्ट कोशिश करिए सेम साइज की बने अब ये तो आपने कर लिया अब इस पे डिजाइन बनाना रहता है अब डिजाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं या तो फोक ले लीजिए या ऐसी चम्मच ले लीजिए इसमें पैटर्न बना सकते हैं बस थोड़ा सा नीचे दबा के पैटर्न बन जाएगा ज्यादा भी मत दबा देना कि आप इसके टुकड़े कर दीजिए चार में और अब गार्निश करने के लिए ये बादाम हमने 2 पीस में कर रखे थे उनको यहाँ लगा दीजिए बादाम लगा सकते हैं नहीं तो आप एक पूरा पिस्ता लगा सकते हैं तो ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं अभी ने हमें रखना है ओवन के अंदर मेरा ओवन प्रीहीट हो गया था तो मैंने नान खटाई अब इसके अंदर डाल दिया है फॉर अबाउट 10 मिनट्स और अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन
तो वी हैव टू वेट फॉर देम टू यू नो टू टर्न गोल्डन ब्राउन. अब ये डिपेंड करेगा आपके ओवन पे, कुछ थोड़े से ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं. तो आपको अपने ओवन के बारे में बेस्ट पता होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में ये 180 डिग्रीज पे गोल्डन ब्राउन टर्न हो जाएंगे. ऑल दैट्स लेफ्ट टू डू इज वेट नाउ. Well guys, I hope you liked that and you know it's such a simple recipe, gets made in 30 minutes, इतनी सुंदर खुशबू आती है उससे and जो भी आपके घर आएगा, you can make it in 30 minutes and उनको आप serve कर सकते हो and they'll be like, wow, this is such homemade goodness. So why don't we keep that love alive for Naan Kadai? So tag me if you try it. I'm on Instagram and Facebook by Cook with Keethi. So tag it if you make it. And the favorite photos that I find, I will share them on the stories of my Instagram. So that's for you guys. And I want more subscribers. अपने friends को भेजो, अपनी relatives को भेजो, जिनको भी ये सब बनाना अच्छा लगता है. And this uses an oven. I'll try to see अगर बिना oven के बन सकती है. बन नहीं चाहिए, because you know, कितने पुरानी रेसिपी है, तो उस टाइम तो ओवन होते ही नहीं थे. तो लेट्स सी वी कैन ट्राई टू मेक इट विदाउट एन ओवन एंड आई गेट बैक टू यू वंस आई हैव एनी सक्सेस. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद एज मच पीपल एज यू कैन एंड आई विल सी यू लेटर. बाय बाय.